महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार के तीनों दलों यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के विरोध में आज 11 अक्टूबर को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। पूरे महाराष्ट्र में बंद की शुरुआत हो चुकी है। मुंबई, पुणे, नागपुर समेत सभी बड़े शहरों में सड़कों से गाड़ियां गायब है और दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है। मुंबई में बेस्ट की 8 बसों को तोड़ने की जानकारी भी सामने आ रही है। लखीमपुर कांड पर बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है। उन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चे की कार्य समिति में बोलते हुए कहा कि नेतागिरी का मतलब किसी को लूटना नहीं होता। हम नेतागिरी में फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को फर्टिलाइजर घोटाले में एक बार फिर आज सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए दिल्ली ऑफिस तलब किया है। 2 हफ्ते के अंदर ये तीसरी बार है जब अग्रसेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। भारतीय शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला ने एक मीडिया रिपोर्ट पे कहा है कि भारत का बीएसई सेंसेक्स एक दिन 5 लाख तक जाएगा। उन्होंने कहा कि वे भारत को लेकर काफी बुलिश हैं और अब भारत का टाइम आ गया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए दहशतगर्द की पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में हुई है। वह आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ा था। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में आज सुबह पेपर रोल गोदाम में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली दमकल सेवा के अनुसार सुबह करीब 3:30 बजे पेपर रोल गोदाम में आग लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह दिल्ली से इंडियन स्पेस एसोसिएशन का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से भी बातचीत की। आज मुंबई एनसीबी ने आर्यन के करीबी फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री को पूछताछ के लिए तलब किया है। खत्री के घर और दफ्तर शनिवार को एनसीबी ने 8 घंटे तक रेड की थी। आईपीएल 2021 में आज सोमवार को एलिमिनेटर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला होगा। इस मुकाबले में जीतने वाली टीम पहले क्वालिफायर में हारने वाली टीम से फाइनल में एंट्री के लिए खेलेगी। हारने वाली टीम का इस सीजन में सफर समाप्त हो जाएगा। इंडिया प्रीमियर लीग 2021 के क्वालिफायर 1 में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेले गए एक फंसे हुए मैच के आखिर में आकर धुआंधार बल्लेबाजी की और अपनी टीम को जीत दिला दी। इसी के साथ चेन्नई की टीम आईपीएल इतिहास में 9वीं बार फाइनल में पहुंच गई।